बहुत भाग्यशाली है कि एक सशक्त टीम आज आपको चुनाव लड़वा रही है मेरठ से। हम वहां चुनाव लड़े जहां पर 60% बूथ पर भाजपा का टेबल भी नहीं लगता था। डर के मारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते थे, कुछ कहते नहीं थे, ध्वज अपना उठाकर निडर होकर फिर भी विषम परिस्थितियों में चलते। हम हारे लेकिन भागे नहीं, डटकर हम वहां लड़े और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि आज वहां से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस हिचकिचाती है। मैंने तो यहां तक पूछा अरुण जी आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष जी से, ये सपा का 3 बार कैंडिडेट बदला है कि 4 बार बदला है? उन्होंने कहा दीदी नहीं, 3 ही बार बदला है। फॉर्म भरने की तारीख समाप्त नहीं होती तो क्या पता और बदल जाता। तो आपके यहां पर सपा उम्मीदवार का उम्मीदवार बदल रही है, मेरे यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अभी घोषित नहीं कर रही है। लेकिन उम्मीदवार घोषित ना करना, मैं मीडिया के बंधुओं से विशेष कहना चाहती हूं, उसमें हिचक मात्र एक है, क्योंकि पहले उन्हें वायनाड का चुनाव लड़ना है, फिर उत्तर भारत आना है। और वायनाड में वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड में पीएफआई नाम का आतंकी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया है भारत की सरकार ने, उसके राजनीतिक नेताओं के समर्थन से राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर्स यहां बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि वह ध्यान से सुने कि आतंकी संगठन क्या है। एसजीपीआर नाम के संगठन ने केरल में हर जिले में हिंदू नेताओं की लिस्ट बनाई है जिनका वो वध करना चाहते हैं। आप सोचिए, आज गांधी खानदान चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन के राजनीतिक नेताओं का समर्थन लेने को तैयार है जो फहरिस्त बनाते हैं हिंदुओं की हत्या की। और इसलिए आपको सोचना है कि जिनको सत्ता की इतनी भूख है कि वो आतंकवादी संगठन का भी समर्थन ले लें, क्या ऐसे लोग हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं, संविधान में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं। आज मैं सरेआम दंगे की चोट पर मेरठ की इस पुण्य भूमि पर उन पर आरोप मढ़ती हूं। अगर आप तमिलनाडु जाके कांग्रेस पार्टी के समर्थक देखें तो वो लोग हैं तमिलनाडु में डीएमके के जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सरेआम जलाया। सत्ता का इतना लालच है गांधी खानदान को कि जिन्होंने बाबा साहेब का संविधान जला डाला, गांधी खानदान उनका भी समर्थन लेंगे। बंगाल में किसका समर्थन लेंगे? बंगाल में गांधी खानदान कांग्रेस के नेता उनका समर्थन लेते हैं जो राम नवमी का जुलूस निकालने वाले राम भक्तों के ऊपर पथराव करते हैं, राम का नाम लेने पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सरेआम बंगाल में जो नौजवानों को मौत के घाट उतार कर उनकी लाशों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस के नेता समर्थन लेते हैं। आज इसीलिए सभागार में हर नागरिक से कहने आई, जब अरुण जी कहते हैं वोटिंग के दिन जाकर वोट दो एक एक, आपको आज सावधान करने आई हूं। आपका वोट क्या मायने रखता है? जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है आपका वोट। आपका वोट क्या मायने रखता है? संविधान के संरक्षक और संविधान को जलाने वालों के बीच का फर्क है आपका वोट।